नमस्कार, मैं फातिमा निखत बीटीएस न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के समाचार। नमस्कार, मैं संतोष कुमार, अभी आप देख रहे हैं बीटीएस न्यूज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करें। बिहार के मधेपुरा जिला सिंहेश्वर प्रखंड और बहरी पंचायत में यहां के मुखिया प्रत्याशी योगेंद्र मंडल के द्वारा जनसंपर्क अभियान चला गया। आइए हम योगेंद्र मंडल से खास बातचीत करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है सर? योगेंद्र नारायण मंडल। कौन पद से खड़ा हुए हैं? मुखिया पद से। मुखिया पद से आपका चुनाव चिन्ह क्या है? चिमनी चाप। आप बहरी पंचायत के महान जनता को मेरे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? विकास, समुचे पंचायत का विकास चाहते हैं। ऐसा तीन काम आप जो सर हैं, ऐसा तीन काम बताइए जो मुखिया बनने के बाद जो आपके पंचायत में नहीं हुआ वो काम कर दीजिएगा, जो मुखिया छोड़ दिया काम ने किया है। हमारे पंचायत में कोई भी विकास का काम नहीं है, जो भी बचा हुआ काम है वही मेरा संकल्प है कि समुचे पंचायत का विकास हो। शिक्षा के माध्यम में क्या कहना चाहते हैं सर? शिक्षा के माध्यम में जो शिक्षा है उसके शिक्षा का जो भी माध्यम होगा उसका हम प्रतिनिधित्व करेंगे और सच्चाई रूप से उसका आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपके पंचायत में बहुत ऐसा है जो भूमिहीन है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? उसके लिए जो सरकार का व्यवस्था है भूमिहीन का, उनको पर्चा दिया जाएगा, उनके लिए मकान बनवाया जाएगा। क्या संदेश से डॉक्टर योगेंद्र कुमार में क्या ऐसा खूबी है जो आप लोग इसका समर्थन दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि सबसे पंचायत में सबसे ज्यादा बुजुर्ग आदमी है और अनुभव है इनके पास, और विकास कार्य जो है इनके सानिध्य में फलेगा फूलेगा और समाज इनके नेतृत्व में सबसे बड़ी बात है कि आगे बढ़ेगी। बहुत बढ़िया है। जो पंचायत अपने पंचायत के लिए कुछ विकास करना चाहता है, पब्लिक के लिए, पब्लिक का विकास खोजता है। मेरा माननीय दादाजी हुए, लेकिन पब्लिक का बहुत ज्यादा विकास के लिए हम लोग इनको उत्साहित करके खड़ा नहीं हो रहा था, लेकिन उत्साहित करके इनको खड़ा का विकास के लिए उम्मीद रहेगा कि हम लोग का पक्का उम्मीद है कि जनता की बहुत ज्यादा विकास करेगी। और ये ऐसा मुखिया है कि गांव में ऐसा कोई नहीं है, और ऐसा पंचायत में कोई मुखिया ऐसा नहीं है। इसके सपोर्ट में हम लोग सब है, और सारे गांव जितना पंचायत के सभी है, पूरा पंचायत ये इसी के सपोर्ट में है। अब आगे जो हो भगवान की मर्जी। क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? हम क्या बोलेंगे, क्या मुखिया जी में क्या ऐसा खूबी है जो आप समर्थन दे रहे हैं उनका? गरीब आदमी का भला करो जो भैया, और सब दिन भला कल कल करते रहते। क्या ऐसा खूबी है मुखिया जी में जो आप लोग समर्थन कर रहे हैं? मुखिया जी में ये खूबी है कि मुखिया जी ईमानदार और शरीफ इंसान है, और हम लोग इसीलिए चाहते हैं इनको कि हमारा विकास करेगा, हमारे गांव का विकास करेगा, इसीलिए हम चाहते हैं योगेंद्र बाबू को जिताना चाहते हैं। मुखिया जी रहते हुए भी इन्होंने समाज का सेवा किया है, बहुत ऐसा काम जो है जो नहीं हुआ है उन्होंने उसको ये सुलझाया है, और इसीलिए हम जनता इनको चाहते हैं, इनको भारी बहुमत से जितावे। जीतेगा भाई, जीतेगा। और सबसे बड़ी बात है बुजुर्ग है, मुखिया का जो पंचायत का प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए वो उसमें है, ये बुजुर्ग भी है। पंचायत का क्या, एक मुखिया का क्या महत्व है, उनमें ये शिक्षा है, ये नीति जान रहे हैं, ये हम लोग को समझ में आ रहा है, इसीलिए हम इनका साथ दे रहे हैं। पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना, सिंचाई के साधन की व्यवस्था, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा, शिक्षा की व्यवस्था। आपके पंचायत जब मैंने भ्रमण किया, आपके पंचायत में 7 निश्चय योजना के तहत 1 सड़क सही सलामत नहीं बना। यदि आप मुखिया बनिएगा तो उसमें सुधार लाइएगा कि वही मात्र? नहीं, उसमें पूरा सुधार लाएंगे, जहाँ तक संभव होगा उसका हम समुचित विकास करेंगे, उसका पूरा निर्माण करेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
कैमरामैन के साथ मैं संतोष कुमार, जय हिंद, देखते रहिए बीटीएस न्यूज। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहां कहीं भी हों, खैर आफियत से हों, आपकी हर सुख खुशगवार हो और हर खुशगवार सुख का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए बीटीएस न्यूज, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।